जैसे होंगे खुला था वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है, क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आजाद है तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा, नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है, दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ, हमने कई बार देखा है। ये गाइस इसके पंख देख सकते हैं आप, लेकिन ये फिर भी उड़ता नहीं है। कैसे आप ये देखिए गाइस, आपको मैं दिखा दूं, जहां जाएंगे आरिफ भाई वहीं जाएगा ये सारा। हाँ, लेकिन दूसरों से इरिटेट भी हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं पीछे पीछे जब फॉलो कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए, वाह यार गजब। देखिए जहाँ आरिफ भाई जा रहे हैं पीछे पीछे ये सारस उनके पीछे पीछे जा रहा है। ये देखिए जहाँ जाएंगे मुझे बस काटना मत। ये देखिए, ओ हो, ये देखिए गाइस, आरिफ भाई और सारस की लव स्टोरी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ओफो, ये देखिए गाइस, आरिफ भाई नींबू लेके आए। ये देखिए गाइस, उड़ेगा अभी। ये देखिए, ओ गजब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, प्यार देखिए, खाली प्यार देखिए आप। ये देखिए, काटती नहीं है आरिफ भाई को। ओहे मुझे मत काटना। मुझे मत काटना बस। आप लोग खाली कमेंट की भरमार कर दीजिए आरिफ भाई के लिए, तारीफ पुल बांध दीजिए, मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहिए आप इनके बारे में। एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे, गार्डन टाइप बना हुआ है, यहाँ पे नींबू वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए आरिफ भाई ने नींबू का पेड़ लगा दिया, नींबू है। और ये किसका पेड़ है आरिफ भाई? हाँ अच्छा, मौसम्बी होती भी है। अरे वाह, मौसम्बी का पेड़ है, नींबू, अनार का पेड़ है, इधर संतरे का पेड़ है ये, और ये आम का पेड़ है। छोटा सा गार्डन इसी, अच्छा इसी में रहता है ये? अच्छा बाहर रहता है, तो वीडियो बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा, हाँ इसमें थोड़ा व्यू अच्छा आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फाइनली गाइस देख सकते हैं, आपने देखा, ये देखिए, ओ भाई देखिए देखिए, जहाँ जाएंगे आरिफ भाई वहीं वहीं पीछे पीछे फॉलो करता हुआ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, और उनके पीछे लोग, ढेर सारे गांव के लोग आए हैं खाली सारा से मिलने। कैसा लग रहा है आपको? आपको किसने बताया? दूर से देखने का आए भाई, ये देखिए बलराम भाई फोटो खिंचा रहे हैं। चाचा कैसा लगा? अभी तो स्टार्टिंग है, आगे चल के ये KGF 3 में काम करने वाले हैं, रॉकी भाई से कम नहीं लोग। चलिए ये आप देख सकते हैं कि आरिफ भाई वार्म अप पे निकले हुए हैं, तो आज इनका मित्र भी इनके साथ वार्म अप कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने पंखों को वो करके इनके पास आ रहा है, देखिए पास में आ चुका है। और यह आपकी दोस्ती की मिसाल जो है कि पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश आपके इस दोस्ती को जय और वीरू का नाम दे रहा है। आप सभी ने जय और वीरू की दोस्ती की मिसाल आपने मूवी में देखा होगा, लेकिन वो मिसाल कहीं ना कहीं आपको ये जीवंत रूप में देखने को मिल रहा है। ये देखिए वो आरिफ भाई के साथ में आज इनका दोस्त घूमने निकला हुआ है सुबह सुबह में। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पक्षी आपके साथ में चल रहा है और घूम रहा है, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से दौड़ लगा रहा है, बस ऐसे स्लो स्लो चल रही। बगल से आगे निकाल लीजिए, उड़ जाएगा ना फिर। नहीं नहीं बगल से आप। पहली बार सारस से राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था, खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम खराब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया,
क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नजदीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पर एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है। जो घर में अमून बनता है गांव में, देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है। क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आजाद है तो इसका जहां मन मन करेगा वहां आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा, नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ। हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है, पर ये शाम को शाम होने से पहले घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी, क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है और ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए वहाँ से हमको देखा कर, एकदम करीब से रहता है। जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है, उसके बाद ट्रक जैसे निकली फिर मेरे पास आ जाता है। नहीं ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था, इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगा कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती, तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मल के आए जाए कोई दिक्कत नहीं।